और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बता दें तो भोपाल से मिल रही खबर, जहां अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश पुलिस। तो डीजीपी सुधीर सक्सेना ने निर्देश दिए हैं, डीजीपी ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि किराएदारों का बायोडाटा तैयार किया जाए, सभी थानों में किराएदारों की जानकारी होना जरूरी है। पुलिस 1 अप्रैल से अभियान की शुरुआत करेगी, बिट सिस्टम के आरक्षक अभियान में काम करेंगे और पहचान छिपाने पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रिजवान जुड़ गए हैं। रिजवान, मध्य प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है, डीजीपी सुधीर सक्सेना ने निर्देश जारी कर दिए और कहा है कि किराएदारों का बायोडाटा तैयार किया जाए। देखिए ऋतु, साफ तौर से 4 आतंकी जो है इशबाग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद से ही जो है लगातार किराएदारों पर जो है कार्रवाई की बात जो है पुलिस कर रही थी। अब जो है डीजीपी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जो मध्य प्रदेश के सभी थाने हैं उनको अलर्ट मोड पर डीजीपी ने रखा है और कहा है कि जो भी किराएदार रहते हैं वो अपना वेरिफिकेशन करवाएं, इसको लेकर जो है निर्देश जारी भी किए हैं। साफ तौर से एडिशन सतीन अजुनकर का कहना है, उनका यही कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया जो है इसमें चलाई जाएगी, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा सके किराएदार, और 1 अप्रैल से ये जो है अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि जो बीट प्रभारी हैं, जो लोग हैं वो इस अभियान में शामिल होंगे, वो लोग किराएदारों का वेरिफिकेशन करेंगे और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो लोगों को समझाई देंगे। जी बिल्कुल रिजवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सभी थानों में किराएदारों की जानकारी अनिवार्य रखी गई है, किराएदारों का बायोडाटा तैयार करने के निर्देश डीजीपी ने सभी थानों को दे दिए हैं।